के मोर आया तो पक दिल छोड़ आया। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? आशा रखती हूँ आप सब अच्छे हो। आज सुबह ना ब्लॉग बनाने के लिए मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिला, इसीलिए आज शाम को मैं ब्लॉग बना रही हूँ। अभी बजे शाम का 8, मतलब शाम नहीं, अभी तो रात होने वाला है ना। तो जो भी हो, तो मैं सोची शाम को ही बना लेती हूँ अच्छा सा ब्लॉग। तो शाम से मेरे ब्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ। मैं सुप्रिया, मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ ब्यूटी ऑफ लाइफ उस सुप्रिया का एक नए ब्लॉग में। बोले जाओ ना की रेखा। फ्रेंड्स, आप सबके सामने मैं एक नया चीज रखने वाली हूँ आज, क्योंकि रिसेंट हम सब ने गदर मूवी देख के आई। गदर मूवी तो बहुत ही हिट हुआ और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। चांस मिला तो मैं और एक बार जाऊंगी, लेकिन टिकट मिलना बहुत टफ है, सही बता रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही टफ टिकट मिलना। इतना फेमस गाना ना फ्रेंड्स, हम हॉल में गए थे ना, अरे बापरे, ज्यादातर सब मेंबर डांस करने लगे। मेरा तो मन कर रहा था भाई छोड़ दो, डांस करने लग जाओ, इतना अच्छा किया। जो भी हो, हर टाइम हर जगह हर सब कुछ पॉसिबल होता नहीं है। हाँ, लेकिन हमने मस्त कार चलाया ना, देखिए हर टाइम मस्ती सोचती है। प्रेस स्टोरी पता है आप सबको, बचपन में बहुत देखते थे कैट एंड डॉग। उसको क्या बोलते, कैट एंड डॉग? कौन सा स्टोरी था कैट एंड डॉग? किसी की शादी? नहीं नहीं नहीं, प्रेस अभी तो फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है। कैट एंड डॉग की स्टोरी बहुत आता था ना, एक्चुअली उस टाइम संडे संडे स्टोरी होता था, दूसरा टाइम तो कोई भी होता ही नहीं था तभी, अभी का जमाने के टाइम। तो ऑल टाइम एक कैट बनता है, एक डॉग बनता है। फ्रेंड्स देखिए, इधर तो किसी का घर पे गृह प्रवेश हो रहा है, भगवान का नाम कीर्तन का आवाज आ रहा है। हमारा बैल्कनी साइड में दिखा रही हूँ आप सबको। फ्रेंड्स अभी मेरे दोनों बच्चे बोल रहे हैं, मम्मा हमें थोड़ा डांस करना है, बहुत टाइम पल लिया। बोले चलो ठीक है, थोड़ा सा डांस कर लो और मेरे फ्रेंड्स को भी दिखाओ सबको कैसे डांस करते हैं। तो थोड़ा डांस आप लोग भी सब देख लीजिए और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कैसा मेरे बच्चे ने डांस किया, ठीक है? बादल बरसा बिजली, सावन को पानी, चीसो चीसो मौसम जो धतो जवानी। फ्रेंड्स मुझे कुछ सॉन्ग्स के छोटे छोटे लाइन आते, पहले मैं KGF 2 करूंगी। अब मैं KGF 1 का छोटा सा म्यूजिक आपके सामने सुनाऊंगी। फ्रेंड्स अभी मैं श्रीवल्ली का पहला ट्यून करूंगी, मूवी नेम पुष्पा। आज का ब्लॉग बहुत दिनों के बाद हम तीनों पूरा एक साथ कर रहे हैं, बहुत मस्ती भरा हो रहा है। आशा रखती हूँ आज का ब्लॉग जरूर आप सबको अच्छा ही लगेगा। ये देखिए अभी गाने का प्रैक्टिस हो गया, मेरी छोटी वाली भी क्या कर रही है, बुक्स पैक हो रहा है स्कूल के लिए। फ्रेंड्स उस दिन मैं पिज्ज़ा ब्रास्ट में गई थी ना,
पिज्जा तो खाया अनलिमिटेड, भरपूर खाया, इतना तक खाया मैंने पिज्जा किया, उसके साथ जो स्टेटस था सब आइसक्रीम ठंडा सब मैंने खाया, सब ठीक ठाक था, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम खाने के बाद फिर से वैसे के वैसे हो गया, मेरा गला भी पूरा बैठ गया, आँख से पानी आ रहा है। थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ, काला चाय तो पीऊँगी, टाइम नहीं लगा गया बनाने के लिए। अभी इसमें मैं गर्म पानी बिठाऊंगी, गर्म पानी पीना है मुझे। गर्म पानी हो गया, ज्यादा गर्म नहीं, गुनगुना पीती हूँ मैं, गुनगुना पानी पीऊंगी, इसमें क्या गला का पेन भी थोड़ा सा कम होता है। आइए आइए आ गए मेरा पतिदेव जी, पूरा बाजार लेके सब सामान लेके आ गए। अभी बारिश हो रहा है ना हल्का हल्का, इसकी वजह से कोई खेल नहीं रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स क्या लेके आए, क्या इसमें पता नहीं। देखिए फ्रेंड्स क्या लेके आए इसमें, क्या है, जलेबी। ओके जलेबी भाई, गरम आचे, पूरा गरम गरम है फ्रेंड्स। जलेबी भाई, जलेबी भाई मस्त है। जलेबी का साथ सॉन्ग है ना, मेरे पति बोल रहे पागल हो गए पागल हो गए, देखो गाना गाती हूँ तो ऐसा करते है, गाना जब है तो क्यों नहीं गाऊ, बताइए आप लोग। मस्त है पुनु, खा भी, छोटी लड़की को भी देती हूँ, नहीं तो गुस्सा हो जाएगी पूरा। मेरी छोटी लड़की के लिए वो तो ज्यादा नहीं खाती है मीठा चीज, बिल्कुल भी कम ही खाती है, एक पीस देती हूँ। मेरी छोटी गुड़िया को जलेबी नहीं समोसा चाहिए, इसीलिए गुस्सा हो गई। फ्रेंड्स एक स्टोरी है ना, नहीं खाना है नहीं खाना है, बाद में पूरा खा लेती है, वैसा ही चल रहा है मेरे घर पे। अभी गरम गरम चाय बन के पूरा रेडी हो गया फ्रेंड्स। आ गया मेरे चाय, देखती हूँ सही में फ्रेंड्स, मतलब फ्रेशनेस लगता है ब्लैक टी पीने में। और इसके अंदर कुछ भी नहीं, थोड़ा सा चाय पत्ता, गर्म पानी थोड़ा सा चाय पत्ता। देख सकते फ्रेंड्स मेरे पतिदेव दो बैग भर के सब्जी लेके आए, कुछ दिन पहले लेके आए फिर आज लेके आए, इतना सब्जी बनाने में भी कंटल आता है। पूजा का फूल, पालक, कोचू साग, हम लोग बोलते इसको कोचू साग, देखिए धनिया पत्ता, और इसके अंदर है गाटी खीरा अदरक। तो देखिए फ्रेंड्स कितना सब्जी भर के लेके आए, ये बनाते बनाते मैं सब्जी ना बन जाऊं। और ये देखिए इसके अंदर लेके आए फिश, कौन सा फिश पता नहीं, देख लेती हूँ। कतला, ये देखिए कतला लेके आए,
तो अभी तो मैं इसको बनाऊंगी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ऑलरेडी रात के 9 बजने आए, ये बनाते बैठूंगी तो रात का 12 बज जाएगा, क्योंकि फिश को फ्राई करने में बहुत टाइम लगता है। तो अभी इसको धो धा के रखती हूँ। एक चीज मैं दिखा रही हूँ आप सबको, इधर का जो करेला होता है ना, ये ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा साइज का ही मिलता है। छोटा वाला करेला जो ज्यादा टेस्टफुल होता है वो बहुत ही कम मिलता है। ये देखिए, एक एक करेला भी नहीं लगेगा मुझे सब्जी बनाने के लिए, आधा करेला से मेरा सब्जी बन जाएगा। एक चीज देखिए, सबका खाते खाते मेरे लिए लास्ट में इतना सा ही बचा है, ये खा लेती हूँ क्या करूँ, नहीं तो ये भी नहीं रहेगा जिलेबी। मैंने थोड़ा सा खाया था चाय पीने से पहले, इतना टाइम बैठ के मैं सब्जी छाट रही थी, एक घंटा के ऊपर लगा, खा लेती हूँ पहले। अभी फ्रिज धो लेती हूँ। ये देखिए, फ्रेंड्स फिश धोते धोते आज मैं ब्लॉग इधर ही एंडिंग कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 9:30 बज गए। अभी मैं रोटी करूँगी, सब्जी बनाऊँगी, कुछ नहीं किया। तो फिश धोने के बाद रोटी करना है, सब्जी बनाना है। तो फिश धोते धोते आज का ब्लॉग इधर एंडिंग कर रही हूँ। मेरे ब्लॉग मेरे चैनल अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना। फिर मिलते कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।